बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मराठी न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए रंजन गोगोई इन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े इनके नाम की सिफारिश की है। शरद बोबड़े महाराष्ट्र से मराठी होने के कारण यह सम्मान अगर उन्हें मिलता है तो मराठी भाषकों के लिए यह बड़े ही गौरव की बात है। मुख्य न्यायाधीश गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गोगोई इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में शरद बोबड़े के नाम की सिफारिश की है। बोबड़े इनका जन्म 1956 में नागपुर में हुआ था। 1978 से 1998 तक अलग अलग पदों के लिए उन्होंने वकीली की है। 2000 में मुंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश कार्य किया है। 2013 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति शरद बोबड़े कई वर्षों से कानूनी क्षेत्र में हैं। वह 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। यदि उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में की जाती है तो उस पद पर लगभग 523 दिन रहेंगे। वहीं दूसरी ओर से खबर आ रही है, नागपुर से चुनाव खर्चों को लेकर 9 उम्मीदवारों को भेजा गया नोटिस। नागपुर लेखा परीक्षण में खर्च के ब्यूरो में खामी सामने आने पर चुनाव विभाग ने 9 उम्मीदवारों को नोटिस जाहिर किया है। यह उम्मीदवार दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम नागपुर के हैं। सभी उम्मीदवारों को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों के खर्चे की पड़ताल हो रही है। वही इस दौरान 9 उम्मीदवारों के ब्यूरो में गड़बड़ी मिली है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।